मतलब चाइना रोज है अब। हे वेलकम बैक गाइज, मैं हूं गुलजार और आज हम चल रहे हैं मुगल गार्डन। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और हेलमेट आप कैरी कर रहे हो तो आपको अपनी जो बाइक है उसमें ही लगानी पड़ेगी, तो थोड़ी सी परेशानी है। बाकी ऑनलाइन बुकिंग है, पहले से बुकिंग करा लेना, यहां पर कोई भी टिकट नहीं मिलने वाली है। और बुक कैसे करना है टिकट वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल में जाके देख लेना और उसका लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं अंदर। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's. तो गाइस ये सिक्योरिटी चेक इन के लिए बना रखा है, अंदर चलते हैं। और ये फेसिंग कुछ लगा रखी है और ये प्रणब मुखर्जी जो लाइब्रेरी है बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में, इंडिया गेट की तरह। तो गाइस आ चुके हैं हम मुगल गार्डन के अंदर। बोनसाई के छोटे छोटे से पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। और अभी हम यहाँ पे बहुत सारे ट्यूलिप और रोज देखेंगे, नहीं बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत गार्डन है, मैं आपको पूरा गार्डन घुमाऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो जो आप ये देख रहे हो सारे बोनसाई के पौधे हैं। अच्छा, बोनसाई का जो मतलब क्या है ना, जापानी भाषा के अनुसार बोने पौधे होता है। और यहाँ पर इस गार्डन के अंदर 50 तरीके के बोनसाई के पौधे हैं। और बोनसाई जो होते हैं ना पौधे, उनको यानी हम गमले में आसानी से उगा सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल असली पेड़ की तरह ही दिखते हैं लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं। पर मैंने बहुत जगह देखा ना तो गाइस बहुत अच्छा लगता है देखने में ये बिल्कुल छोटे छोटे पौधे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, अभी जो पौधा है बहुत ही खूबसूरत लगा, मैं उसको मतलब कि लिए बिना रह नहीं पाया। ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है पूरा एक जंगल, बहुत ही खूबसूरत है ये। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है म्यूजिकल फाउंटेन, मतलब ये फुव्वारा यार बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जब मतलब सॉन्ग बज रहे हैं यहाँ पर, फिलहाल तो मैंने सॉन्ग को मतलब प्ले नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो मतलब जब ये बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसी तरीके से ये जो रिएक्ट कर रहा है ना, तो मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ पर मतलब आप आओगे तो यहाँ पर फोटो और वीडियोज़ बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। सुपर यार, बहुत ही अच्छा, awesome. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. अब जो मेरे देख रहे हो ना वो है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे ही मुगल गार्डन बना हुआ है। प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मुगल गार्डन को मतलब आम जनता के लिए खोलने के लिए कहा था, तब से ये गार्डन फरवरी माह से मार्च माह के बीच में खोला जाता है। और मतलब ये कालीन जो आप देख रहे हो ना, कारपेट से बनाते हैं, फूलों का बनाते हैं, ये हर दिन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी भी भाई ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली अंदर, अच्छा लग रहा ना। तुम बोर क्यों रही हो, वो फूल नहीं पसंद, वो फूल नहीं पसंद, तुमने दिया ही नहीं कभी, इतना बड़ा गार्डन दे दिया और क्या लोगी तुम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, नाम करो इसे मेरे। नहीं। ये जो यहाँ पे बगीचे में जो काम करते हैं ना, ये वो लोग बैठे हुए हैं और मतलब कि यहाँ पे अभी काम होता रहता है 24 घंटे। गाइज ये है मुगल गार्डन के अंदर के, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सच्ची बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एब्सोल्युटली फ्री, बट थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। फर्स्ट एड भी है यहाँ पर, चोट वोट लग जाए तो आपको उसके लिए। कैक्टस, ये कैक्टस है, जो बात ना माने ना इसके ऊपर बैठा दो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं रोज गार्डन में। और रोज गार्डन में पहुंचते ही हमें गुलाबी गुलाब दिख रहे हैं, बहुत तरीके के गुलाब है, लगभग 159 प्लस यहाँ पर आपको रोज मिल जाएंगे अलग अलग वेराइटीज के। और बिल्कुल यूनिक नेम है यार उनके। मिल सकते हैं रोज पासाडेना से, पासाडेना अंग्रेजी नेम क्यों है। Yeah.
ये है आइस पर, ऐसा लग रहा है ना जैसे बर्फ पड़ी हो। कैमरे में साफ दिख भी नहीं रहा सही। गुल इसका क्या नाम है? रोसियाना। गुल इसका नाम बताइए। मोंटेजुमा। हाँ, फूल नहीं तोड़ सकते यहाँ पे। रोज गार्डन में घुसते ही मतलब आप जो गलियारा सा मिलता है ना, साइड साइड में बकेट सी लटकी हुई है, इनमें तरह तरीके के मतलब जो फूल हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे काफ़ी यहाँ पर। गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फिलहाल हम अंदर हैं। और गुल को कैसा लग रहा है बताओगे कुछ? अच्छा लग रहा है जुमा देख के। जुमा क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे टोकरे लटक लटक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लटक रहे हैं। मटक नहीं रहे, लटक रहे हैं। टोकरे भी अच्छे हैं। बाकी गुल इसको रहे किसे कहते हैं? ये वो वाली गोभी है जो नहीं चली है अंग्रेजों की। देखो गाइस इसे ये गोभी कह रही है। To play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Guys, ये है डबल डिलाइट। देख रहे हो, मुझे नहीं पता है कहाँ से डबल है, लेकिन नाम इसका डबल है। बड़े बड़े बन जाते हैं ना। हाँ, ये बड़े बड़े बन जाते हैं। देखो चाइना, चाइना भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो। अरे चाइना दिखाना साहब। कोविड ने इसे कहते हैं चाइना। ये देखो। गाइज ये है मतलब चाइना रोज है। अब मुझे नहीं पता इसका नाम चाइना रोज क्यों है, बट जो भी है। बाकी ये फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी मिल गया ना, तो मैं फोटो खिंचवा लें यहाँ पे, बहुत अच्छा है। रोज गार्डन के बाद ना सर्कुलर गार्डन है ये, और काफ़ी खूबसूरत है। सर्कुलर गार्डन आप समझ गए क्यों है, क्योंकि सर्कल सा बना हुआ है, बीच में फाउंटेन है, और साइड साइड में तरह तरह के फूल हैं। और बहुत मुझे खास तौर से ना यही सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे फूल और एक जो साइड में रास्ता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है अभी कुछ देर पहले यहाँ पे, लेकिन मन नहीं भरा यार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. तो वक्त हो गया यहाँ से अब बाहर जाने का, चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो गाइस बाहर निकल चुके हैं, मतलब कि इतना ही शो था, थोड़ी देर का ही था। बाकी अच्छा लगा आपको ब्लॉग, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे आना, आ जाओ, 16 तक ओपन है, उसके बाद ही क्लोज हो जाएगा। टिकट 7 डेज एडवांस बुकिंग चल रही है, अगर बुकिंग नहीं हो रही है तो आप मेरी वाली वीडियो देख लो जो मैं टिकट के ऊपर बना चुका हूँ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।